हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंस फूड लाइफ। आज हम बनाने वाले हैं नारियल की बर्फ़ी। इसको हम खोपड़ा पाक भी बोल सकते हैं। ये इतनी स्वाद बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको, बिल्कुल मुंह में घुल जाती है। यहाँ पर हमने चार बड़े बड़े गोले लिए हैं, उनको कट कर लिया है, फिर उनको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। फिर यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है, इसको अच्छे से खौलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अभी गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें हम केसर वाला दूध डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से मिला देंगे। फिर इसमें येलोनेस आने लगती है जो केसर से आती है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इलायची का पाउडर लिया है, फिर से इसको चलाएंगे और गाढ़ा होने देंगे। फिर यहाँ पर हमने पिसा हुआ जो गोला लिया था वो 4 कटोरी लेना है। और ये अब लास्ट कटोरी है, हमने पूरा 4 कटोरी गोला लिया है। अब आप देख लीजिए दूध और गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें 1.5 कटोरी चीनी डालेंगे और फिर से इसको मिलाएंगे। 5 मिनट तक इसको चलाते रहेंगे। जब इसका कलर बिल्कुल येलो हो जाएगा, खोए में चाशनी की तरह चीनी भी घुल जाएगी, फिर हम इसमें जो हमारा मिक्सचर था गोले का, हम वो सारा इसमें मिला देंगे। फिर इसको चलाएंगे और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक रखेंगे और चलाते रहेंगे। ये हमारी नारियल की बर्फ़ी बनके तैयार हो रही है यहाँ पर। अब इसको एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगा के उसको उसमें जमा देंगे। बस आधा घंटा इसको रखेंगे ठंडी हवा में और ये जम के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, बिल्कुल मुंह में घुल रही थी। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है ये। फिर इसको कट कर लीजिए और सर्व कर दीजिए। ये मैंने सर्व कर दिया यहाँ पर। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये इजी रेसिपी नारियल बर्फ़ी की कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ गाइस, थोड़ा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलो। अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।